Welcome to self-made tutorial. Today we shall discuss in this video tube fit. Means tube fit जो होता है ये echinoderms का एक echinoderms species का बहुत ही important जो होता है एक organs part होता है. तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो video है ये BSc first year zoology honors का से related है. ओके तो चलिए ट्यूब फिट देखते हैं क्या है. प्रत्येक विधि खांचों में छोटे छोटे नली आकार अकुंचनशील उभारों की दोहरी दो पंक्तियां होती है. इन उभारों को पदाव या नालपाद पोडिया या नियर ट्यूब फिट कहते हैं. ये जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं वो पांच भुजा वाले होते हैं. ओके तो क्या होता है कि उनमें प्रत्येक भुजा में जो होता है ये ट्यूब फिट पाए जाते हैं. प्रत्येक भुजा में नाल पादों की दो दोहरी पंक्तियां होती है और ये जो क्या होते हैं एकांतरित रूप से स्थित एक लंबी होती है एक छोटी होती है और श्रेणी से संबंधित श्रेणी में एक अल्टरनेट होती है. एक लंबी होती है एक छोटी होती है. ठीक है जो एक पतली भीति वाली बंद नली की भांति होती है जो विधि रंध्र से होकर बाहर निकलती है. प्रत्येक नालपाद में तीन भाग होते हैं और ये जो होती है दो आसन्न विधि अस्थिकाओं के मतलब बोन्स के जो होते हैं के बीच स्थित रिक्त स्थान से निकलती है उसे ही विधि रंध्र कहते हैं. ओके और प्रत्येक नालपाद में तीन भाग होते हैं. फर्स्ट होते हैं एम्ब्यूला, सेकेंड होता है पोडिया एंड थर्ड होता है सुक्कर. देखिए विधि अस्थिकाओं के ऊपर स्थित एवं प्रगुहा में उभरती हुई एक गोलाकार कोश के समान तुम्बिका एम्प्यूला इसके भीति में वृत्तकार पेशियां होती है. तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका एम्बुला. विधि खांचों से होकर फैला हुआ नली के आकार का एक मध्यवर्ती पादक यानी पोडियम जिसके भीति में संयोजी ऊतक का वल्य होता है रिंग होता है. थर्ड हो गया पोडियम के निचले सिरे पर प्याले के समान एक चूसक यानी सक्कर होता है. ओके तो ये हो गया थर्ड. चलिए मैं आपको फिगर दिखाती हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें. और ये जो होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसमें भी इकाइनोडर्मेट्स का मेन ये एक कैरेक्टर है. देखिए ये जो हुआ आपका इकाइनोडर्मेट्स का वाटर वैस्कुलर सिस्टम का फिगर है यानी कि जल संवहन तंत्र. ओके तो ये देखिए हो गया ये हो गया पेंटाडेक्टाइल रिंग हो गए कैनाल हो गए. उसके बाद ये आपके हो गए स्टोन कैनाल. ये एस शेप्ड ट्यूब आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में एस शेप्ड ट्यूब किस में पाए जाते हैं. तो एस शेप्ड ट्यूब हो गए और इसे स्टोन कैनाल भी कहा जाता है. और ये हो गया टाइडमैन्स बॉडी यानी TIEDMANS टाइडमैन्स बॉडी. और ये देखिए यहाँ पे एक होल रहेगा मैड्रीपोराइट इसे कैल्सिरस सीव ट्यूब कहते हैं. देखिए थोड़ा ये अच्छा से नहीं हो पाया है आप लोग अच्छे से बनाइएगा और मैं वर्ड मीनिंग जो है इसका रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आपको आसानी से दिख सके. दिख तो नहीं रहा आप आसानी से सुन के लिख सकें. ये हो गया मैड्रीपोराइट MADREPORITE कैल्सिरस सीव ट्यूब. ये हो गया स्टोन कैनाल यानी एस शेप्ड ट्यूब. और ये जो हो गए ट्यूब फिट जो एक बड़े होते हैं एक छोटे होते हैं एक बड़े होते हैं एक छोटे ऐसे ही अल्टरनेट होता है. और इसमें क्या होता है इसके तीन पार्ट होते हैं. और ये देखिए रेडियल कैनाल हो गए ये हो गए लेटरल कैनाल. और इसके देखिए पार्ट यहाँ पे हैं. फर्स्ट इसका होता है एम्प्यूला जो कप के तुम्बिका जो बोला गया था एम्प्यूला टाइप. ओके तो ये हो गए फर्स्ट ट्यूब फिट का. सेकेंड हो गया ये आपका ये पार्ट तो हो गया ऊपर वाला पार्ट हो गया एम्प्यूला. एंड सेकेंड पार्ट ये वाला जो हो गया आपका पोडिया हो गया. और ये कप नूमा ये जो यहाँ पे है ये हो गया आपका सक्कर. ओके ट्यूब फुट और इसे ट्यूब फिट बोला जाता है. तो ये रहे आपके ट्यूब फिट के अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे तो आप आसानी से इसे फिगर के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. रिटन में थोड़ी कमी हो लेकिन फिगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है.
ओके देखिए, दो आसन विधि अस्थिकाओं के बीच स्थित रिक्त स्थान को विधि रंध यानी एम्ब्यूलक्रल पोर कहते हैं। ओके फंक्शन देख लेते हैं इसका। नाल पादों की पतली भीतिया श्वसन क्रिया में गैसों के विनिमय का कार्य कर सकती है यानी कार्य करती हैं। नाल पादों की पतली भीतिया जो होती है रेस्पिरेशन में भी ट्यूब फिट हेल्प करता है। शरीर को आधार तल पर स्थिर रखने और भोजन को पकड़ने और रोके रखने में भी नालपाद सहायक होता है। यानी कि ये शरीर को स्थिर रखने में भी और भोजन को पकड़ने में और श्वसन की क्रिया में हेल्प करता है। क्यों? तो ट्यूब फिट। ओके तो ये रही आपकी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स द्वारा कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।